सो है गाइस, आप लोगों के सामने मैं फिर से टाउन हॉल 8 का एक नया स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिसका नाम है यार मास हॉग अटैक। एंड इसको हम लोग करेंगे थोड़ा सा एक गोलेम एक पिकैंड्स 17 हॉग एंड थोड़ा सा विजर लेके। पहले यार गोलेम एंड किंग से हम लोग थोड़ा सा फनल क्रिएट करेंगे एंड पिका को पूरा अंदर के तरफ घुसाएंगे। ओके तो देखो यार, क्वीन एंड गोलेम से एक फनल क्रिएट हो रहा है, सामने का जो बिल्डिंग है विजर्ड ख़त्म कर रहा है एंड वॉल ब्रेकर वॉल ब्रेक किया, तब यार मैं छोड़ दिया पेका। ठीक है, पेका पूरा अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि सामने कोई बिल्डिंग नहीं है तो कोई भी बाहर की तरफ टारगेट नहीं करेगा पेका। एंड यार अंदर पेका के जाने का एक ही रीज़न है, जो किंग है उसको आप देख लेना कहाँ है, उस तरफ से अटैक करना क्योंकि हॉग अटैक में किंग को यार आपको मरना ही पड़ेगा पहले। एंड जो भी आपका पेका गोले में उसको पूरा अंदर के तरफ ले जाना क्योंकि बहुत स्केलेटन ट्रैप रहता है जो यार बहुत ही हॉक के लिए ख़तरनाक होता है, हॉक को पूरा मार देता है स्केलेटन ट्रैप एंड किंग। तो ये दो चीज़ आपको ख़त्म करना होगा। जब भी पेका को विजर्ड टावर एंड जब आर्चर टावर टारगेट किया तभी मैं छोड़ दिया मेरा सारा हॉक। तो बस यार काम ख़त्म, आप सिर्फ आपको करना होगा हीलिंग स्पेल का काम। यार पहले से आप लोग को सोचना होगा कहाँ जायंट बोम रह सकता है, तो उधर यार पहले से एक हीलिंग स्पेल दे देना क्योंकि जायंट बोम यार बहुत ही खतरनाक होता है हॉक के लिए। अगर एक ही जगह में दो जायंट बोम रहेगा, अगर जायंट बोम में आप हीलिंग स्पेल नहीं डालोगे हॉक के ऊपर तो यार हॉक पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना, हॉक अटैक में एक ही जो माइनस पॉइंट है वो वही बात है जायंट बोम। एंड यार अगर पूरा तरीके से आप अंदर के तरफ गोलेम पेका घुसा दो एंड फिर यार हॉक को छोड़ो तो 100% श्योर आ जाएगा, ये वाला अटैक बहुत ही सही है एंड इजी भी है गाइस, एकदम इजी। थोड़ा सा हीलिंग स्पेल सही से डाल लेना एंड ये वाला टाउन हॉल इजी बेस था। सो यार एक हीलिंग स्पेल से ही कम चल गया, दो हीलिंग स्पेल तो लगे ही नहीं भाई। तो यार इसके बाद जो अटैक करूँगा कोशिश करूँगा एक मैक्स टाउन हॉल 8 में अटैक करने का, नहीं तो यार आप लोग बोलेंगे यार इजी बेस में अटैक करो, एक मैक्स टाउन हॉल 8 में अटैक करो। तो यार मैक्स टाउन हॉल 8 में अटैक करूँगा एंड देखूँगा कि कितना स्टार आता है उस बेस से। ओके गाइस, तो इसमें तो यार हो गया। और ये बात जो बिल्डर हार्ट रहता है उधर एक एक ट्रूप छोड़ देना, जो मैं गलत तरीके से अटैक किया वो नहीं करना आप लोग। ओके 100% यार आ गया खूब और बहुत ही सही से। एंड इधर फिर से हम लोग नेक्स्ट अटैक के लिए जाएंगे। चलो यार नेक्स्ट अटैक जल्दी से सर्च किया जाए। एंड चलो यार सर्च कर रहा हूँ अच्छा अच्छा बेस। एंड अभी नेक्स्ट बेस आया है, फिर एक सर्च हो रहा है भाई। एंड देखो गाइस आप लोगों के लिए आ गया एक मैक्स टाउन हॉल 8 एंड इसका देखो वॉल भी मैक्स है, डिफेंस भी मैक्स है एंड लूट तो यार भाई बहुत ही सही लूट है। तो चलो गाइस इसमें अटैक करेंगे। आप लोगों को बोल ही दिया था पहले किंग को ख़त्म करना है, तो किंग की तरफ से हम लोग अटैक करना स्टार्ट किया हूँ। एंड इधर अच्छे से फनल क्रिएट करने की कोशिश एंड इधर वॉल ब्रेकर छोड़ दिया, वॉल ब्रेकर जायंट बोम में गिरा, जायंट बोम नष्ट हो गया एंड फिर पेका को छोड़ दिया। पेका गाइस क्लियर कर रहा है यार, इधर एक एलिक्सर कलेक्टर है पेका, उसके वजह से यार घूम जाएगा क्योंकि एलिक्सर कलेक्टर यार अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हाँ यार सही पकड़ा हूँ, पेका घूम गया एंड कोई बात नहीं गाइस। फिर भी यार क्वीन सॉरी किंग एंड गोलेम यार अंदर के तरफ जा रहा है एंड जो कोशिश किए थे हम लोग किंग को मारना तो वो पूरा अच्छे से हो गया, किंग यार पूरा आसानी से मर गया। एंड फिर पेका के पीछे एक विजर्ड छोड़ा हूँ क्योंकि पेका को सपोर्ट देगा। फिर यार बहुत ही सही तरीके से हॉक को छोड़ दिया हूँ एंड हॉक के ऊपर यार आप एक ही काम है सिर्फ हीलिंग स्पेल मारते रहो यार, 3 हीलिंग स्पेल है पूरा सही सही तरीके से सही सही जगह में मारना, जैसे आपका 3 हीलिंग स्पेल लास्ट तक या लास्ट डिफेंस तक काम करे। ओके सो चलो इधर एक हीलिंग स्पेल हम लोग यूज़ कर दिया एंड नेक्स्ट हीलिंग स्पेल इधर एक यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सही यार, हॉक पूरा का पूरा अभी भी बचा है एंड पेका इधर से साइड से क्लियर करते करते आगे बढ़ रहा है एंड नेक्स्ट 1 हीलिंग स्पेल पूरा एकदम सही जगह में गिराऊंगा हम लोग एंड फिर यार इजीली 100% आ जाएगा। बहुत ही इजी अटैक है गाइस, आप लोगों को यार फिर सिर्फ किंग को मारना होगा एंड यार स्केलेटन ट्रैप को नष्ट करना होगा और कोई बात नहीं यार इजी। देखो इधर जायंट बॉम्ब था एक, तो यार मेरे हीलिंग स्पेल इधर था इसलिए यार जायंट बॉम्ब में हॉक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो अगर नहीं रहता तो हॉक का बहुत कुछ बिगाड़ देता यार। तो यार यही अटैक है इजी अटैक, थोड़ा सा विज बचा के रखना लास्ट में, नहीं तो यार अगर हॉक आपका मर जाए तो यार 100% लेने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा विज बचा के रखना लास्ट में क्लियर देने के लिए।
तो यही बात है गाइस, बहुत ही इजी अटैक है एंड बहुत ही सुंदर अटैक है। आप लोग यूज़ करो, सिर्फ ज़्यादा डार्क एलिक्सर लग जाता है, बट कोई नहीं यार, वार के लिए तो आपका डार्क एलिक्सर आप नष्ट कर ही सकते हो यार। नष्ट नहीं यार, वो वापस आ जाएगा वार के लूट से। बहुत ही ईजी अटैक है भाई, आप सिर्फ 100% लेते रहो, अटैक करते रहो भाई। एंड होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यार ऐसे ही अटैक मैं छोड़ते रहूँगा, अगर पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहना भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सुड्रीम।